हाइट फुल लेग। हाँ, आंडू का खस्सी है? आंडू है जी। अच्छा, तो क्वालिटी देख रहे हैं ना आप, हाइट? क्वालिटी तो फुल आपको दिख ही रहा है। नहीं, फुल नहीं कहेंगे हम, क्योंकि कान छोटे है ना, कान अगर लंबे होते तो फुल हो जाती, कान छोटे हैं इसके। चलो ठीक है, फिर भी मतलब इतना कम भी नहीं है। तो क्या रेट कर रहे हो इसका? 25,000। अच्छा, 25,000 रुपये। एक बार टेस्टिकल भी दिखाना, ये टेस्टिकल ये जरा कट वाले पीछे से कपूरे। हाँ, बाल कट रखे हैं। हाँ हाँ हाँ, देखिए भाई, टेस्टिकल और हिंदी में कपूरे, ये देखे। ठीक है, तो बॉडी वेट क्या होगा अंदाजा इसका? 70-75 किलो होगा ये। हाँ ठीक है, उठाओ सरदार जी, उठा लो। ये देखिए, ये चड्डा वड्डा खोल दिया करो यार। चड्डा सिरा दासू चड्डा, ये देखिए जी, दासू से थोड़ा सा कम चड्डा। अच्छा, लाएगी बड़े होंगे, कैप्सूल जैसे बनेंगे। ये देखो भाई, यहाँ से देखो पिछा, देखो पिछा। अच्छा बताओ जरा, कितना सुबह वगैरह है? ये चौथे सुबह सूगी। ठीक है, और क्या कीमत है? 25। ये देखिए जी, क्वालिटी देखें आप, ब्राउन आइज है इसकी, नाक ठीक है और सींग भी ठीक है इसके। तो 25 मांग रहे, वो भी आपकी है? दिखाओ जी, ले जाओ कैमरा वहाँ पे। ये देखो भाई, इसके कान हैं बढ़िया, जैसे बम्बई के पान हैं, बम्बई के पान, कान जैसे बम्बई के पान। ये देखिए, और क्या सुआ क्या है इसका? ये तो तीसरा सुआ, 2 महीने की गब्बन। हाँ, 2 महीने की गब्बन। देखिए, ले आओ जी, थन पे ले आया करो, देखिए। और क्या कैपेसिटी होगी इसकी पहले? दूध कितना दिया होगा? दूध ऐसा ले सीखा 2.5 लीटर एक टाइम का। 2.5 लीटर? ओ सरदार जी, 2.5 लीटर तो नहीं होगा यार। होता तो करो ही भैया, होता जितना सोई हो तो। हाँ, फिर भी थन की बनावट बता देती है। थन की बनावट है जी, दोनों टाइम मना है, दोनों टाइम मना है जी। सरदार जी सही है ना? सही है, सही है। झूठ ना मारो, झूठ ना। हाँ, एक टाइम तो 2.5 किलो कटिया, सरदार जी आप सही हम गलत, ठीक है। और जो भाई देख रहे हैं वो बताना भाई कि 5 लीटर वाली है या कितने लीटर वाली है, वो कमेंट करके बताएंगे। बच्चे ने चंगा के लेके आंदा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात। कौन सा? अच्छा, ये काला वाला। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, आओ जी, आओ आगे आ जाओ। हाँ जी, बताओ क्या नाम है, कौन सी जगह से आए हो? हाँ जी, नाम बताओ अपना। नाम क्या है? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जी, यहाँ करो कैमरे पे करो यहाँ। और कहाँ से आए हो? जंडिया, तो बहादुरगढ़ जंडिया। बहादुरगढ़ जंडिया, तो बताओ डिटेल क्या है इसकी? कीमत, कीमत बता दो। चलो कीमत 25,000 रुपया। चलो 25,000 है। और कितने दांत पे है? दांत कितने हैं, उम्र कितनी है? खीरी है, खीरी। खीरी पट्टा अभी? अच्छा, खीरी पट्टा जी। तो बाबा 25 तो ज़्यादा है यार, 25 ज़्यादा है। अगर कान लंबे होते ना तो सही था। ज़्यादा ज़्यादा है पैसे? 25,000 ज़्यादा है। हाँ नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। ये दिखाओ, 2 महीने की गाभा। हाँ, ये 2 महीने की गाभा। और कितने पैसे? सही सही बताना, कम से कम 22,000। ठीक है। अंकल इधर इधर हंस रहे हैं। और पाजी ठीक हो? जुगनी काम छो काम है, कम से कम। पाजी हंस पड़े, देखो दूर बैठे बैठे हंस पड़े। इन्होंने रेट बताया और पाजी हंस पड़े। क्यों हंसे आप? बात ठीक है, 2 महीने का बात पता नहीं खड़ी है। ओ बाबा जी, सब सही है आपकी बात, गब्बन हो पर क्वालिटी तो होनी चाहिए ना। क्वालिटी, उसके कान देखो बिल्कुल छोटे हैं, है? छोटे, कद भी छोटा है, कद भी है। ये काता करू भी है, वो घिरी है, वो भी करू भी। कोई बात नहीं खालसा जी, करना कुन्ना नहीं, क्वालिटी है नहीं आया नहीं आंदे भी तेरी चीजें मार गया सारे कह रहे अप्पा, ये कह रहे हैं पर ये कीमत ज्यादा है थोड़ी सी। चलो ये मन नहीं, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ ले आओ जी। ये देखिए बच्चे किसके हैं जी? हाँ, बच्चा देख लो अपना। ये देखिए जी, आ जाओ बाबा जी,
बुरा मत मानना हमारी बात का, हम जो सामने हैं वही बताते हैं। भाई ये माल इस तरह का है, इतने पैसे होने चाहिए। क्यों पता है क्या है? देखो सामने वाला जो किसान है उसको ज्यादा लगेगा तो वो रुकेगा ही नहीं, नहीं है ना, वो आगे निकल जाएगा कि भाई छोड़ो परे, ठीक है, पूछेगा ही नहीं वो आगे की बात। चक्कर ये है। और बाकी अपा जो सामने है वही बताएंगे। ये देखिए जी खूबसूरत बच्चा, क्या रेट कर रहे हो अंकल जी? 6000 रुपया जी। 6000 रुपये मांग रहे हैं। देखिए ठीक है, मांगने की कीमत है, बाकी मौके पर हो ही जाएगा, मानता है ना? घट हो जाएगा जी। हाँ सही है। कितने टाइम का है? 2 महीने का जी। 2 महीने का। और भी लाए हो? हाँ हो रहा है उधर। तो मंडी में आए कैसा लगे प्रबंध बताओ जरा? बहुत बढ़िया जी प्रबंध। हाँ खाना पीना बहुत अच्छा जी। छाए? छाए भी बहुत है जी। छाए तो बिना तंबू के खड़े हो है ना? पैदे बहुत है जी। सही है, सफेदे बहुत है। यहाँ ले आओ जी जरा देखिए। हाँ ये देखिए जी, वाइट में बर्बरी। हाँ जी बताना जरा कितना सुगा वगैरह? दूसरा सुगा जी। दूसरा सुगा क्या कीमत कर रहे हो? कीमत 9000 रुपया। 9000, ठीक है, देखिए जेन्युइन रेट है इतना, सही है। और इसमें बच्चा मगर, अच्छा एक बच्चा भी है तो देखिए। ठीक है अंकल जी, शुक्रिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ चलते हैं आप। आओ जी, ओ पाजी नीचे आ जाओ। आओ जी आओ, बहुत बढ़िया, आ जाओ नीचे आओ। बैठा खड़ा बंदा इधर। ये देखिए भाई माल पत्ता बढ़िया। और क्या हालचाल है? ठीक ठाक। बताओ क्या नाम है, कौन सी जगह से आए हो? पिंड मेरा सिविया, नाम मेरा गुरसाहिब सिंह है। तो अच्छा सबसे पहले मंडी के बारे में बता दें कैसी लगी? हम तो पहली बार आए मंडी में, अभी आए 2 घंटे हुआ है अभी आए को। पहली नजर में क्या लगा? अच्छी है मंडी, पहली नजर में अच्छी लग रही है। चाय पानी मिला? हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पानी मिला ठंडा के? नहीं हाँ ठंडा पानी मिला। सबसे बड़ी बात तो गर्मी है, दूर से आएंगे भाई तो ठंडा पानी होना चाहिए, चाहिए, चाहिए। फिर चाय होनी चाहिए, फिर लंगर होना चाहिए, है? हाँ, और फिर काम भी होना चाहिए, सभी काम होना चाहिए। हाँ। तो ठीक है, चाय भी ठीक है ना? चाय भी ठीक है, बढ़िया दरख्त है, हवा भी आ रही है ना? हाँ। हवा भी चल रही है, हवा भी आ रही है, खुले में। तो कितना माल लेके आए हो? 6-7 नग है। कैसे? वो काली बकरी वो सुई हुई है, उसकी ये पट्टा है 1.25 महीने की सुई हुई है, ये 2.5 महीने की गब्बन है। हौली हौली करके बताएंगे आप, यार ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये काली की बता दो क्या? इसका 14000 रुपया। कितना सुआ? ये पहला सुआ सुई है, खीरी पट्टा है अभी। अच्छा खीरी पट, देखिए 14000। और ये वाली? ये 2.5 महीने की गब्बन है, 8 दांत है नवी। अच्छा 2.5 महीने की। और क्या कीमत कर रहे हैं? इसका 9000 रुपया है। अच्छा 9000 रुपये। वाइट आँख वाले बकरे से गब्बन। वहाँ जरा मेरे भाई साथी वहाँ जाओ जरा, वो बकरा दिखाएं जरा नीचे, जो ब्रीडर है ना देखिए। अच्छा के बारे में बताना कितने दांत पे? ब्रीडर हैगा, 4 दांत चके है अभी। हाँ। उसका रेट है 25000 रुपया। 25000 है? तो ये देखिए जी भाई ब्रीडर बढ़िया बकरा, निग्गर बकरा लग रहा है। हम इसका वेट होगा लग रहा है ना जी। हाँ हाँ सही है, बकरा भी सुंदर है। हाँ और ये 25000 कीमत कर रहे हैं। 25000 कम ज़्यादा तो हो जाएगी? हो जाएगी। हाँ ठीक है। और ये देखें जी एक, हाँ इसमें बैठी है ना जो कैमरा पे, इसके बारे में बता दो। ये 6 दांत है, ये 1 महीना 9 दिन की गब्बन है, इसी बकरे से गब्बन है, ये 3 बच्चे देती है। अच्छा यार ये ऐसा मत बोला करो, 3 बच्चे दिए हैं, दिए हैं इसी वजह से आपने कहा। ये भगवान के हाथ में है, देखो दिए दिए हैं, जो बीत गया आने वाला हमें क्या पता है यार, वो तो है ना, क्या होगा क्या होगा कि नहीं सरदार जी? पता जी नहीं पता, वो सारा 4 दे दे, आप पता 4 दे दे। ये आप अपने हाथ में नहीं ना, ये भगवान के हाथ में है। कितनी कीमत है ये बताओ? इसका है 13000 रुपया। ठीक है 13000। और ये दोनों बैठे हैं जो? इसका 9000 रुपया है, जो ये वाली है ये 15 दिन की गब्बन है, वो 2.5 महीने की गब्बन है, करीब 2.5 महीने के करीब है, 2 महीने के ऊपर है वो, दोनों का 9000 रुपया। अच्छा 9000। ओ 10 बच्चे। ओ पाजी बता दो जरा कहाँ गए इनको? यार छाए में बिठाओ जरा यार, ये गर्मी हो रही है। तो ये 25000 रुपया मांग रहे बंदे है, दो के तीनों का
अच्छा तीनों का माल का 25,000 मांग रहे। देखिए कैमरा घुमा दे, कोई बात नहीं। बकरा है, ये वाला बकरा है, वो दोनों पट है। अच्छा ठीक है, तो ये माल है भाई। एक बेनती है, इसको बिठाओ छाए में बिठा दो यार, है बकरे परेशान हो जाएंगे यार। जानवर है ये, बोल के नहीं बताएंगे है ना कि मुर्गे को गर्मी लग रही है या नहीं, हमें देखना पड़ेगा। कर दो यार, आ जाओ जी, आ गया। और देखिए जी, बहुत शानदार लगी मेरे को पहली नजर में, तो क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यार छाए की है गर्मियों में। पेड़ वगैरह पूरे यहाँ लगे हुए हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, खाने पीने का प्रबंध पूरा, और क्या कुछ है वो भी आपको जो मंडी के ऑनर हैं उनसे आपको ज़रूर मिलवाते हैं, और अगला शेड्यूल है जो जैसे भी वो भी आपको ज़रूर बताते हैं। एक और बकरी पालक भाई पहुँचे हैं, देखिए क्वालिटी काफ़ी शानदार, जो उनका माल भी दिखाते हैं आपको। डब्बे में है ये बकरा, और क्या डिटेल रहने वाली है पाजी से पूछते हैं। पाजी क्या नाम है, कौन सी जगह से आए हो? शेखा। तो क्या नाम है? बुग्गर सिंह। बुग्गर सिंह जी, अच्छा कितना माल लेके आए हो आज? दो ही है। अच्छा 7 महीने का ये बकरा है, देखिए 7 महीने का ये वाला, और क्या पैसे मांग रहे हो? 30,000 मांग रहे। 30,000 दोनों का? हाँ दोनों। अच्छा 30,000, मेरे को लगा एक का 30,000, यार बहुत ज़्यादा है। इधर आओ जी, इधर आके ये वाला दिखाओ, इसके बारे में बताओ। ये भी 7 महीने का ही है, ये बीटल बीटल नस्ल है काला। इधर आओ जी, खालसा जी इधर आओ मेरे को। देखिए क्वालिटी देखें ये, और ये भी 7 महीने का। हाँ जी। बकरा मंडी रुखाला की पूरी मैनेजमेंट है जो, वो हमारे साथ मौजूद है। एक बार तस्वीर दिखा दें, उसके बाद बात भी करेंगे भाइयों के साथ, कैसा रहा आज का दिन, कहां कहां से भाई पहुंचे, माल किस तरह का रहा। तो भाई साहब एक बार छोटा सा परिचय दे दे, क्या नाम है जी, और बता दें जरा प्रॉपर मंडी की लोकेशन क्या है। मेरा नाम राम सिंह है जी, मैं पिंड रुखाला दे रहने वाला। मंडी का जी प्रोग्राम है सारा तुसी देखा जी, शान का इंतजाम है, लंगर का इंतजाम है, चाह का, बकरियां वास्ते पानी पीण का, आदमी वास्ते अलग पानी पीण का। अच्छा ये बताओ जी, भाई बकरा मंडी शुरू की है ना, तो मकसद क्या है ये शुरू करने का, क्यों की है ये? ये जी इस करके शुरू करिए भी नाल सहायक धंधे, जिवें जिमीदार अपना खेतीबाड़ी करदा नाल सहायक धंधे, तो जे ये मंडियां वध तो वध लगनियां तो उवें मतलब अपने खुशहाली आऊगी, जानवर वध विकणगे, तो नवा फार्मर काम शुरू कर सकूगा, मतलब व्यापार बढ़ेगा है ना, इनकम बढ़ेगी उसकी। हाँ, सही है जी। तो अच्छा ये भी जरा बता दे कौन से दिन है, और अगर भाई दूसरे राज्यों से कोई आते हैं व्यापारी भाई है ना, सोच रहे हैं जो, तो वो कैसे आ सकते हैं, क्या क्या सुविधा उन्हें यहाँ पर मिलेगी? ये दिन बुधवार है, हर बुधवार को मंडी लगती है जी। ये बठिंडा तो भी आ सकते हैं, हबोर मलोट मुकसर के विचाले पैंदा पिंड, जिहड़ा व्यापारी दूर तो आता है वो आते साढ़े को रहने का इंतजाम है। जेकर वो माल खरीदा वो ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं बनता तो वो माल की एडजस्टमेंट करके देवे इतने साढ़े को फार्म वगैरह बनया है बैक साइड पर, तो उत्थे असी रहन का भी उन्होंने वो माल का भी सारा करके देवे इंतजाम। और भी साथी हमारे साथ मौजूद है, भाई जग्गी जो कि सफल एक बकरी पालक है। भाई साहब पहुंचे मंडी में है ना, कैसा लगा मंडी का? वधिया मंडी है जी, बहुत वधिया मंडी है, वधिया सौदे होंदे आ, वधिया वेचण वाले नूं फायदा, खरीदण वाले नूं फायदा। हां जी बढ़िया मिला माल? वधिया मिला जी। लंगर पानी? लंगर पानी बहुत वधिया जी। सही है। और भी साथी हैं, पाजी बताओ जरा मंडी के बारे में, आज पहुंचे हो मंडी में है ना? वधिया प्रबंध है जी मंडी दे, कारोबार वधिया ठीक है, जिहड़े भैण भरा हुण जिमीदार भी हैगे, जिहड़ी बकरी पाल के जप्पां होर आख दिंदे आपां ठेके ते पैड़ी लैंदे आ, आख दिंदे सानूं 10,000 वी नहीं बचदा साल च, ये आपां एक बकरी ते रख लो ते साल च, जे आपां एक बकरी दो वारी सौंदी है, जे आपां आख दिंदे 10,000 किला नहीं छड्डदा आपां नूं, दिन पर रात एक करदे आ, एक बकरी लो चल दो बच्चे भी देवे ते साल च 4 बच्चे भी देवे, चल 20,000 उहदा खर्चा कढ दे तुसीं, जे आपां 50,000 दे बच्चे वेखदे आ 30,000 आपां नूं फायदा, फिर भी बेनीफिट हैगा आपां। सही है जी। और भी साथी हैं, पाजी आप क्या कहोगे, नई मंडी लगाई है आपने है ना, क्या सोच कर लगाई है? असी जी बकरियां रखदे नूं सानूं 2-3 साल हो गए सी, जे कोई असी चंगी बकरी मन नूं लै लैंदे सी क्वालिटी दी, उहदे च सानूं वेचण च बहुत दिक्कत आउंदी सी, सानूं दूर जाणा पैंदा सी,
ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। तो इससे आसपास के जो किसान भाई है उन्हें भी फायदा होगा है मंडी से? हाँ जी, पूरा ही फायदा है। जेड़ा बंदा मान के चलो दूर नहीं जा सकता, किसी को साधन नहीं होंदा जां कुछ, उन्हें भी फायदा है। छोटे जिमीदार काम दे विच होर भी उत्साह मिलेगा। नौजवान बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंदे है, नशियां तो बचणगे, इस किते वल वधणगे, ते सारा फायदा ही है। अच्छा पाजी, आपसे भी पूछेंगे थोड़ा सा, बताओ जरा भाई, जैसे नए भाई अगर आते हैं यहाँ पे तो उनके लिए क्या कुछ प्रबंध किए हुए आपने? प्रबंध रहने के लिए प्रबंध है पूरा, जानवर खरीदे तो जानवर रखने का भी, खान पीन का सारी सुविधा हैगी। अगली जो मंडी आएगी उसके लिए क्या कहेंगे भाइयों को? अगली मंडी तो पूरा भरूगी, क्यों पूरा उत्साह है गाहक का भी। काम कार फ्री हो गए, करा सभी फ्री हो गए, लोग आवणगे अगली मंडी ते माल भी आऊगा। बकरी पालन लोग जिन्ने भी हैगे सारे मंडी जावण वेखण मंडी दा माहौल की है, बकरी खरीदण जां बेचण ऐं पता लगदा जी, बंदा तुरे फिरे ना जे मंडियां चाहू उहनूं पता लगदा। हाँ सही है जी। तो देखा आपने पूरी जो मंडी की कमेटी है और उन्होंने सारी डिटेल है जो वो आपके साथ क्लियर कर दी है। अगर आप आने का सोच रहे हैं तो मैं एक बार फिर से एड्रेस क्लियर कर देता हूँ। ये गाँव रुखाला और जिला है श्री मुक्सर साहिब। जैसे ही आप गांव में पहुंचेंगे, श्री हनुमान मंदिर जी, श्री हनुमान जी का मंदिर यहां पर आएगा और उसके कुछ ही दूरी पर बकरा मंडी है, जो वो बड़ी शानदार ढंग से चलाई जा रही है। हर एक प्रबंध है वो बढ़िया किए हुए हैं। अगली बुधवार को फिर मंडी लगाई जाएगी और अगर आप नहीं पहुँचे हैं तो एक बार फिर जो मंडी लग रही है उसमें आप विजिट करके अपने व्यापार को और बढ़िया कर सकते हैं। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई वीडियो नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।